तो दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। और माँ इस दुनिया में बनाई गई कुदरत की एक ऐसी मूरत है जिसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि माँ ही वो ढाल होती है बच्चों की, जो अपने आखिरी सांस तक अपने संतान की रक्षा करती है और उन पे आने वाले हर आँच को खुद पे ले लेती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी संतान ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी माँ हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान पड़ जाओगे, और ये अपने इन्हीं अजीब कारनामों की वजह से अपना नाम दुनिया की सबसे अजीब माँ की लिस्ट में दर्ज करा पाई हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी ही माँओं के बारे में जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम कुछ अलग ही लेवल पे दर्ज करा लिया है। तो उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो पहली माँ हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने कुदरत के बनाए सारे रस्मों रिवाज तोड़ दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो शायद ही इस दुनिया में कोई और करना चाहे, और अपने इसी अटपटे ख्वाहिश की वजह से उन्होंने जो कारनामा किया है वो दुनिया में कोई और तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहेगा। वैसे इन्हें माँ नहीं कह सकते हैं, पर दुनिया के रस्मों के कारण कहना पड़ रहा है। तो दुनिया की सबसे अजीब माँ की लिस्ट में जो 5वें नंबर पे आती हैं, मेरा मतलब आते हैं, उनका नाम है थॉमस बेटी। जी हाँ, चौंकिए मत, ये एक पुरुष हैं, और उन्होंने साइंस की मदद से एक ऐसा अजूबा कर दिया है जो शायद इस दुनिया में कोई दूसरा मर्द करना चाहे या फिर इसे तोड़ना चाहे। थॉमस इस दुनिया के एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्हें तो माँ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही, उन्होंने जो कारनामा ये कर दिया है। अपने इसी कारनामे की वजह से थॉमस ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। बताया जाता है कि बेटी ने यह फैसला खुद लिया था कि वो एक बच्चे को जन्म देंगे, और विज्ञान की मदद से ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे हैं। Back in 08, I was 7 months pregnant with Susan, and she's 4 today. Austin is 3, and I've had a third child, Jensen, who's 2. तो इस दुनिया की अगली माँ जो सबसे अजीब माँ की लिस्ट में आती हैं, इनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इनके पास दुनिया की सबसे कम उम्र में माँ बनने का रिकॉर्ड है। जी हाँ, ये किताब इनके नाम है, और इनका नाम है लीना। लीना मात्र 5 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। एक बार जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पता लगा कि इनके पेट का आकार आमतौर पर बच्चों के पेट के आकार से काफ़ी बड़ा है। फिर जांच के दौरान ये पता चला कि ये बच्ची 8 महीने से प्रेग्नेंट है। इसके बाद भी इन्होंने सफलतापूर्वक मात्र 5 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया और इस दुनिया की सबसे कम उम्र की माँ का खिताब हासिल किया। वैसे तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे लोग देखे होंगे जिन्हें बोना भी कहा जाता है, तो ऐसी ही कुछ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के केंटकी में रहने वाली स्टेसी हेराल्डी, जिनकी लंबाई मात्र 2 फीट 4 इंच की है, और इन्होंने साल 2000 में बिल के साथ शादी कर ली, जिनकी हाइट 5 फीट 9 इंच की है। स्टेसी को ऑस्टोगेनेसिस इन्फ्रेक्टा नाम का एक डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियाँ पूरी तरह से विकास नहीं कर पाती हैं, फिर भी दुनिया की सबसे छोटी माँ बनी ये, और 3 बच्चों को जन्म देकर इन्होंने साइंस और डॉक्टर्स को भी गलत साबित कर दिया। हर औरत का एक सपना होता है कि वो भी माँ बने, उसकी गोद में भी किसी की किलकारी गूंजे, लेकिन इन सबका भी एक समय होता है। लेकिन इस माँ ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि इन मान्यताओं से परे था। जिस उम्र को लोग अपना अंतिम समय मानते हैं, उस उम्र में इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पंजाब के एक गाँव में रहने वाली ओमकारी सिंह ने 70 वर्ष की उम्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अभी तक पूरी दुनिया में इस उम्र में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ओमकारी सिंह ने
यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। तो इससे पहले कि इस लिस्ट की अंतिम माँ की तरफ चले हम, उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमें इतनी हिम्मत देता है कि हम आगे चल के आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी कंटेंट ला सके। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कीजिएगा। तो क्या होगा जब आप रातों रात फेमस हो जाओ? आप अंदर से कैसा फील करोगे जब आपकी इमेज रातों रात एक स्टार जैसी हो जाए, कि हर कोई आपसे सवाल पूछना चाहे और आपका इंटरव्यू लेना चाहे? ऐसा ही कुछ हुआ नादिया सुलेमान के साथ 2009 में। ये 8 बच्चों को जन्म देने के बाद रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गई। हालांकि इससे पहले भी ये 6 बच्चों की माँ बन चुकी थी, पर एक और बच्चा ये चाहती थी, इसलिए इन्होंने एक IVF क्लिनिक से संपर्क किया जहाँ डॉक्टर्स ने इन्हें 12 भ्रूण प्रत्यारोपण करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें लगता था ज़्यादातर बच नहीं पाएंगे, पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनमें से 8 बच गए और नादिया 8 बच्चों की माँ बन गई। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी ऑल पे कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिल पाए जो आपको बेशक पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।